हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 ऑफ जर्नल। ठीक है, चलिए देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर कैश अकाउंट ओनली। ठीक है ना, जर्नलाइज करना मतलब स्टूडेंट क्या, हमें जर्नल एंट्री पास करनी। ठीक है, क्या करना है स्टूडेंट, हमें जर्नल एंट्री पास करनी और जर्नल एंट्री पास करने के बाद में सिर्फ कैश अकाउंट ही प्रिपेयर करने का है, सभी अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना देते हैं। सबसे पहले हम जितने भी एंट्रीज है उसकी हम जर्नल एंट्री पास कर देंगे। जर्नल एंट्री पास करने के बाद में हम लेजर प्रिपेयर करेंगे। ठीक है ना, ओके। तो स्टूडेंट चलिए आप फॉर्मेट बना लीजिए, ये फॉर्मेट आपके साथ सामने रेडी होना चाहिए। ठीक है ना, इन द बुक्स ऑफ विराट ट्रेडर्स, विराट ट्रेडर्स दिया हुआ, नहीं, इन द बुक्स ऑफ हार्दिक था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ हार्दिक स्टार्टेड बिजनेस, इन द बुक्स ऑफ हार्दिक। ठीक है, द बुक्स ऑफ हार्दिक जर्नल एंट्री, ओके। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हार्दिक स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 15,000 एंड मशीनरी रुपीज 20,000। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला क्या करेंगे, हम अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहला अकाउंट है हमारा हार्दिक अकाउंट। ठीक है, हार्दिक नहीं, ये हमारा कैपिटल अकाउंट होगा। ठीक है, दूसरा जो है, क्योंकि हार्दिक ओनर है तो हार्दिक अकाउंट नहीं कहेंगे हम, कैपिटल अकाउंट कहेंगे। नेक्स्ट कैश अकाउंट, ये हमारा रियल अकाउंट है। एंड नेक्स्ट मशीनरी अकाउंट, ओके स्टूडेंट। तो हमने यहाँ पे अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिया। अब रूल के हिसाब से इफेक्ट एंट्री क्या होगी वो देखते हैं। हार्दिक पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर, पैसे देने वाला बिजनेस में, पैसे लेके आने वाला बिजनेस में, तो गिवर हो गया, हार्दिक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कैश बिजनेस में आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन रियल अकाउंट है। मशीनरी भी रियल अकाउंट है, डेबिट वर्ड कम्स इन, अकॉर्डिंगली एंट्री बनी स्टूडेंट हमारी कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हार्दिक। ठीक है, चलिए एंट्री पास कर देते हैं जुलाई 1 की। ठीक है, 2019, सबसे पहले हम ईयर रिकॉर्ड कर लेते हैं, 2019 जुलाई 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड करें कैश अकाउंट डेबिट अमाउंट कितना था कैश का, 15,000। ठीक है, नेक्स्ट मशीनरी अकाउंट डेबिट अमाउंट 20,000। ठीक है, टू हार्दिक कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट अमाउंट कितना आएगा, 35,000। ठीक है, चलिए नरेशन लिख देते हैं, बिंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड मशीनरी, ओके, एंट्री डन। नेक्स्ट एंट्री है हमारी 4 जुलाई की। क्या एंट्री स्टूडेंट देखते हैं, परचेज गुड्स फॉर ₹9,000 लेस 10% कैश डिस्काउंट। ठीक है, हमने गुड्स परचेज किया, चलिए स्टूडेंट अकाउंट आइडेंटिफाई करते हैं, क्या परचेज किया, गुड्स, क्योंकि हमने गुड्स परचेज किया तो अकाउंट जो इन्वॉल्व है यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे परचेज अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट, ठीक है, कैश डिस्काउंट मतलब हम मिल रहा है, मतलब हमने कैश पेमेंट किया और कैश डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, तीन अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व है स्टूडेंट। तो चलिए एंट्री क्या होगी देखते हैं, सबसे पहले परचेस हमारा नॉर्मल अकाउंट है, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट हो जाएगा। कैश रियल अकाउंट है, क्रेडिट वर्ड डेबिट, सॉरी रियल अकाउंट डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, पेमेंट करेंगे तो कैश जाएगा, तो कैश अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा नॉर्मल अकाउंट है, रूल के हिसाब से ये भी क्रिएट हो जाएगा क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, तो एंट्री बनती है स्टूडेंट हमारी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश डिस्काउंट या डिस्काउंट रिसीव, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, चलिए एंट्री पास करते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, टू डिस्काउंट अकाउंट, ओके। अमाउंट कितना था स्टूडेंट परचेस का, परचेस का अमाउंट था 9,000। ठीक है, डिस्काउंट कितना दिया, डिस्काउंट का परसेंटेज दिया हुआ स्टूडेंट 10%। ठीक है, तो 9,000 का 10% कितना आएगा स्टूडेंट, 900। तो डिस्काउंट रिकॉर्ड कर दिया, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा कैश अकाउंट में अपियर होगा, विच इज 8,100। ठीक है, नरेशन बिंग परचेस गुड्स है 10% कैश डिस्काउंट, ओके स्टूडेंट। तो सेकेंड एंट्री भी होगी, चलिए अब हम थर्ड एंट्री देखते हैं। थर्ड जो एंट्री है स्टूडेंट वो है हमारी 9 जुलाई की। ठीक है, कैंटिक दिया सोल्ड गुड्स टू अमर 3,000। ठीक है, तो यहाँ पे दो जो अकाउंट इन्वॉल्व है स्टूडेंट वो है हमारा सेल्स अकाउंट। ठीक है, पहला अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो हमारा सेल्स अकाउंट और दूसरा जो अकाउंट इन्वॉल्व है वो हमारा अमर अकाउंट, ओके। तो अकॉर्डिंगली सेल्स हमारा नॉर्मल अकाउंट है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, अमर हमारा पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, जब हम गुड सेल करेंगे अमर उसे रिसीव करेगा, तो अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एंट्री क्या बनती है स्टूडेंट, अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अमाउंट 3,000
3000 बींग गुड सोल्ड टू अमर ऑन क्रेडिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी 12 जुलाई की, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स वर्थ ₹7000 है फ्री सैंपल। तो स्टूडेंट जब भी हम गुड्स फ्री सैंपल में बेचते हैं तो वहाँ पे कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट होता है, ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट एक होता है वो। जब हम गुड्स फ्री में बेचते हैं तो स्टूडेंट हम वहाँ पे एडवर्टाइज करते हैं, तो ये जो अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व होगा वो होगा एक हमारा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, ठीक है, और दूसरा होगा हमारा गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैज फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैज फ्री सैंपल, ओके, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैज फ्री सैंपल। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे दो अकाउंट आइडेंटिफाई कर दिया, चलिए जल्दी से एंट्री पास कर देते हैं। एडवर्टाइजमेंट हमारा नॉर्मल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड हैज फ्री सैंपल ये रियल अकाउंट है, गुड्स जा रहे स्टूडेंट बिजनेस से, ठीक है ना, अकॉर्डिंगली गुड्स क्या होगी क्रेडिट हो जाएगी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारी एंट्री बनती है स्टूडेंट एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री बनती है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैज फ्री सैंपल। तो चलिए रिकॉर्ड कर देते फटाफट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैज फ्री सैंपल अमाउंट 3000, ठीक है, बींग गुड डिस्ट्रीब्यूटेड हैज फ्री सैंपल, बींग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैज फ्री सैंपल नॉट 3700 सॉरी 700, ठीक है, ओके डन। चलिए नेक्स्ट, बॉट स्टेशनरी फॉर ₹550 फॉर ऑफिस यूज, फिर स्टेशनरी खरीदी। तो यहाँ पे कौन से जो अकाउंट इन्वॉल्व है, स्टेशनरी अकाउंट जो कि हमारा नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट ऑल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और बॉट कैश, कुछ भी नहीं लिखा मतलब हमने कैश में खरीदा है यहाँ पे, ठीक है ना, बॉट मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली दिया गया है, सीधा सीधा नहीं बोला हुआ, यहाँ पे आपका दूसरा जो अकाउंट आएगा वो आएगा कैश अकाउंट, ठीक है, क्योंकि अगर किसी नाम दिया होता किसी का तो हम अज्यूम कर सकते थे कि वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन, बट कुछ भी नहीं दिया मतलब वो हमने कैश में परचेज किया, तो अकॉर्डिंगली कैश अकाउंट आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे दो अकाउंट है, स्टेशनरी अकाउंट और कैश अकाउंट, स्टेशनरी नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कैश रियल अकाउंट क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश हमारी एंट्री बनती है, ठीक है। तो चलिए एंट्री पास कर देते हैं, एंट्री स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, अमाउंट 550, ठीक है, नरेशन बिंग स्टेशनरी परचेस, ओके स्टूडेंट्स। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो एंट्री है वो है 18th जुलाई की, कब की है 18th जुलाई, क्या लिखा हुआ है, रिसीव्ड 950 फ्रॉम धनश्री अ कस्टमर हुज अकाउंट वॉज अर्लियर रिटर्न ऑफ हिज बैड डेब्ट्स, ठीक है, कस्टमर है स्टूडेंट धनश्री जिसका अकाउंट हमने ऑलरेडी राइट ऑफ कर दिया, राइट ऑफ मतलब क्या, अकाउंट्स में से हटा दिया, ख़त्म कर दिया, उसको बोलते हैं राइट ऑफ। अभी धनश्री का अकाउंट तो है नहीं अकाउंट्स में, तो भले पैसे उससे मिल रहे बट धनश्री का नाम नहीं आ सकता क्योंकि उसका अकाउंट अपियर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए वो है हमारा रिसीव्ड यानी कि कैश अकाउंट, ठीक है, रिसीव्ड यानी कि कैश अकाउंट, और दूसरा जो अकाउंट है स्टूडेंट वो हमारा बैड डेब्ट्स रिकवरी, क्या करेंगे स्टूडेंट, बैड डेब्ट्स रिकवर करें, जो हमने बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड कर दिया वो अब हम रिकवर कर रहे हैं, तो नेक्स्ट जो अकाउंट होगा वो होगा बैड डेब्ट्स रिकवरी अकाउंट, ठीक है ना, ध्यान रखना आपको ये। तो यहाँ पे कैश अकाउंट और बैड डेब्ट्स रिकवरी अकाउंट दो अकाउंट आइडेंटिफाई कर दिए, कैश हमारा रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, ओके, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और बैड डेब्ट्स रिकवरी हमारा नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि बैड डेब्ट्स नॉमिनल है तो बैड डेब्ट्स रिकवरी भी नॉमिनल होगा। अभी वो रिकवरी मतलब मिल रहा है, पैसा मिल रहा है मतलब इनकम हो रहा है, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। अकॉर्डिंगली हमारी जो एंट्री होगी स्टूडेंट वो होगी कैश अकाउंट डेबिट, क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, ओके, टू बैड डेब्ट्स रिकवरी अकाउंट, ठीक है, अमाउंट कितना मिल रहा है स्टूडेंट 950, ठीक है, नरेशन बिंग अमाउंट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ हैज बैड डेब्ट्स नाउ रिकवर्ड, ठीक है, ओके, तो आपको मालूम पड़ा यहाँ पे धनश्री का नाम क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसका अकाउंट ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके थे, तो अब उसका नाम अपियर नहीं होगा स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट, अभिराम इनवॉइस अस गुड वर्थ ₹3000, अभिराम ने हमें गुड्स भेजा 3000 के, ठीक है ना, तो यहाँ पे स्टूडेंट दो जो अकाउंट इन्वॉल्व है वो है अभिराम अकाउंट, ठीक है, पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर, वो इन्वॉइस कर रहे हैं गुड्स सेंड कर रहे हैं तो क्रेडिट द गिवर, और इनवॉइस अस गुड्स मतलब स्टूडेंट परचेज, इनवॉइस मतलब क्या हो गया यहाँ पे,
परचेज, ठीक है। अभिराम इनवॉइस, तो इनवॉइस मतलब परचेज, तो परचेज अकाउंट आएगा। दूसरा परचेज क्या हमारा नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अभिराम अमाउंट 3000, ठीक है। 21 जुलाई, 21 जुलाई परचेज अकाउंट डेबिट टू अभिराम, चलिए एंट्री रिकॉर्ड कर देते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू अभिराम अमाउंट 3000, 3000, ठीक है, बिंग परचेज गुड्स फ्रॉम अभिराम ऑन क्रेडिट, ओके। चलिए नेक्स्ट एंट्री है हमारी 24th of July, कौन सी है, 24th of July। चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्या है ये हमारी 24 जुलाई की एंट्री, ठीक है। सेटल अभिराम अकाउंट ही अलाउ 5% कैश डिस्काउंट, ठीक है ना। हमने अभिराम के अकाउंट को सेटल कर दिया, मतलब अभिराम अकाउंट एक आएगा, ठीक है। ये रिसीव वाले डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट, कैश अकाउंट एक आएगा, रियल अकाउंट एक, क्रेडिट वर्ड गोज आउट हम पे करें तो कैश जाएगा, एंड लास्टली डिस्काउंट अकाउंट आएगा। स्टूडेंट ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है हमें, दे नहीं रहे हमें, मिल रहा है, तो ये रियल नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो अभिराम अकाउंट डेबिट टू कैश डिस्काउंट, ये हमारी एंट्री आएगी, ठीक है। और कितना देना था अभिराम को, 3000, तो अकॉर्डिंगली अभिराम अकाउंट में हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 3000 रुपीज़ लिखेंगे, ठीक है ना। पहले अभिराम अकाउंट को डेबिट करते हैं, अकाउंट सेटल करें मतलब जितना क्रेडिट था उतना हमें डेबिट करना पड़ेगा, तो हमने 3000 लिख दिया। टू कैश, कैश कितना देंगे, डिस्काउंट के बाद में देंगे, ठीक है। टू डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। नरेशन बिंग पेड टू अभिराम इन फुल सेटलमेंट ऑफ इस अकाउंट, अभिराम हमें कितना डिस्काउंट दे रहा है स्टूडेंट, अभिराम हमें 5% डिस्काउंट दे रहा है, करेक्ट। तो अकॉर्डिंगली 350 का जब आप, सॉरी 3000 का जब आप 5% कैलकुलेट करेंगे तो आपका अमाउंट आएगा 150, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली जो डिफरेंस है स्टूडेंट हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे, विच इज 2850, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारी एंट्री यहाँ पे कंप्लीट होती है 24th of July की। नेक्स्ट जो एंट्री स्टूडेंट वो है हमारी 27th जुलाई की, ठीक है, ओके। क्या दिया हुआ स्टूडेंट, एक्सचेंज गुड्स वर्थ ₹2500 अगेंस्ट फर्नीचर ऑफ द सेम अमाउंट, ठीक है। 2500 का हमने फर्नीचर खरीदा और उसके बदले में 2500 का गुड्स हमने दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे दो अकाउंट जो इन्वॉल्व है, ठीक है, वो कौन कौन से, वो हमें यहाँ पे अभी देखना है, ठीक है। तो दो अकाउंट में से पहला अकाउंट है हमारा फर्नीचर अकाउंट स्टूडेंट, ठीक है, ये रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस में आ रहा है। नेक्स्ट एक्सचेंज करे गुड्स, एक्सचेंज भी मतलब क्या होता है स्टूडेंट, एक्सचेंज भी एक टाइप का क्या होता है, सेल होता है, एक्सचेंज भी क्या होता है, सेल हो रहा है, ठीक है। एक्सचेंज गुड्स मतलब यहाँ पे सेल अकाउंट, अकॉर्डिंगली सेल कौन सा अकाउंट है हमारा, नॉमिनल अकाउंट, रूल के हिसाब से क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हमारी एंट्री होगी स्टूडेंट, ठीक है। चलिए रिकॉर्ड कर देते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट अमाउंट 2500, 2500 बिंग नरेशन बिंग एक्सचेंज गुड्स अगेंस्ट फर्नीचर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विड्रॉ कैश फ्रॉम ATM 5000 फॉर ऑफिस यूज एंड 3000 फॉर पर्सनल यूज, ओके। तो स्टूडेंट हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए भी और ऑफिस यूज़ के लिए भी। तो एक तो हो गया हमारा पर्सनल यूज़ मतलब ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, करेक्ट। ये हो गया हमारा ड्राइंग अकाउंट, ओके। तो ड्राइंग के बाद में स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा कैश विड्रॉ कर रहे स्टूडेंट, कैश कहाँ से विड्रॉ कर रहे, ATM से। ATM मतलब क्या, बैंक, एक टाइप से बैंक ही हम कहेंगे, ठीक है। तो एक बैंक अकाउंट हो गया, क्रेडिट द गिवर, और हम ऑफिस यूज़ के लिए पैसे विड्रॉ करें, अभी लिखा है यहाँ पे ऑफिस यूज़ के लिए कौन सा यूज़ है, नहीं लिखा हुआ तो स्टूडेंट हम यहाँ पे कैश, कोई स्पेसिफिक यूज़ लिखा होगा तो वो अकाउंट लिखते हैं, बट कुछ नहीं लिखा है तो कैश अकाउंट। तो एक कैश अकाउंट आ गया, बिजनेस में कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। ड्राइंग अकाउंट हो गया, ओनर वो पैसे रिसीव कर रहा है कुछ अमाउंट, तो डेबिट द रिसीवर, और टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक गिवर एक केस में। तो स्टूडेंट बैंक कितना दे रहा है, 8000 दे रहा है, कितना दे रहा है, 8000, 5000 तो हम ऑफिस यूज के लिए निकाले, 3000 पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं। तो बैंक से हमने 8000 निकाला, 5000 बिजनेस में लेके आया, 3000 ओनर अपने लिए लेके गया। तो 29th of July की स्टूडेंट ये एंट्री है, चलिए एंट्री पास करते हैं फटाफट। सबसे पहले ड्राइंग अकाउंट डेबिट, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट लिख देते पहला, फिर बाद में ड्राइंग अकाउंट डेबिट लिख देते हैं, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, कैश कितना 5000, ड्राइंग 3000, ठीक है। टू बैंक अकाउंट, बैंक से कितने टोटल निकाले हमने, 8000, ठीक है। नरेशन
बींग कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एंड ऑफिस यूज़। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारी यहाँ पे एंट्री कंप्लीट होती है। अब हम टोटल अप कर लेते हैं स्टूडेंट, तो ये हमारा जर्नल का टोटल 65,700, 65,700। तो स्टूडेंट अब एंट्री यहाँ पे कंप्लीट हो गई, अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रिपेयर करेंगे लेजर अकाउंट। ठीक है, तो चलिए लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। कौन सा लेजर प्रिपेयर करने बोला है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ कैश अकाउंट, ठीक है ना। तो ये हमारा कैश अकाउंट स्टूडेंट, ठीक है। तो कैश अकाउंट हमने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे हम डेट्स लिख देते स्टूडेंट, सबसे पहला 2019, 2019, ठीक है। चलिए वी आर रेडी। अब आपको क्या करना है, जर्नल देखना है स्टूडेंट, और अकॉर्डिंगली हमें लेजर में पोस्ट करना है, ठीक है। जर्नलाइज तो कर दे, पोस्टिंग करनी है। तो चलिए जर्नल एंट्री देखते और पोस्टिंग करते एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है कैश अकाउंट कहाँ पर है। जर्नल में कैश अकाउंट होगा तो ये एंट्री रिकॉर्ड होगी, तो कैश अकाउंट को हाईलाइट कर देता हूँ। कैश अकाउंट क्या हो रहा है स्टूडेंट, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो हमारा जो एंट्री पोस्ट होगा कैश अकाउंट में कहाँ पे होगा, डेबिट साइड में, क्योंकि यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट लिखा है। तो हमारी एंट्री कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखनी है हमें, ठीक है ना। कौन सा एंट्री लिखना है स्टूडेंट, ऑपोजिट वाला। ये डेबिट लिख के मतलब नहीं, सेम डेबिट होगा तो इग्नोर करना है। कैश अकाउंट में पास करना है तो कैश अकाउंट का ऑपोजिट हमारा कैपिटल होगा, ठीक है। तो कैश अकाउंट के डेबिट में जाएंगे टू कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। अमाउंट कितना होगा, अमाउंट जो कैश के सामने लिखा है वो ही आएगा स्टूडेंट, ठीक है ना, 15,000। तो एंट्री क्या होगी स्टूडेंट, कैश अकाउंट के डेबिट में आएगी टू कैपिटल 15,000, ठीक है। कैश इतना ही अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए कैश अकाउंट के डेबिट में जाता है, ये हमारा कैश अकाउंट के डेबिट में आ गए। डेट नोट कर लेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाके हम क्या लिखने वाले हैं, टू कैपिटल अकाउंट अमाउंट 15,000, ठीक है, डन। चलिए पहली एंट्री तो हमारी कंप्लीट हो गई। ओके, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री हमारी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। तो स्टूडेंट हमें खाली कैश अकाउंट में पोस्टिंग करनी है, तो मैं कैश अकाउंट को हाईलाइट कर देता हूँ। कैश अकाउंट क्या हो रहा है स्टूडेंट, कैश अकाउंट क्रिएट हो रहा है। तो हमारी जो पोस्टिंग होगी कहाँ पे होगी, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि कैश क्रेडिट हो रहा है। तो हमारी जो पोस्टिंग होगी कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में होगी। कैश अकाउंट के क्रेडिट में क्या लिखेगा स्टूडेंट, ऑपोजिट अकाउंट का नाम। ऑपोजिट अकाउंट कौन सा है, परचेस अकाउंट, ठीक है। कौन सा है, परचेस अकाउंट। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाके हम लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट अमाउंट, अमाउंट आएगा कैश के सामने वाला स्टूडेंट, ध्यान रखना है, ठीक है ना। 8,100 आएगा, बच्चे बहुत सारे 9,000 लिख के आ जाते हैं, 8,100 आएगा, ठीक है। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाएगी और लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट, ठीक है। तो चलिए कैश अकाउंट के क्रेडिट में आते हैं, तो कैश अकाउंट के हम क्रेडिट साइड में पहुंच गए। डेट लिख देते सबसे पहला, और अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट अमाउंट 8,100, ठीक है स्टूडेंट। तो ये भी हमने एंट्री पोस्ट कर दी, खाली कैश अकाउंट ही हमें प्रिपेयर करना है। ओके नेक्स्ट, अमर अकाउंट डेबिट टू सेल। अभी ये एंट्री में कहीं पे कैश इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका एंट्री लेजर में पोस्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ना तो अमर अकाउंट हमने प्रिफेयर किया ना तो सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट टू गुड डिस्ट्रीब्यूटर एज फ्री सैंपल, यहाँ पे भी कैश इन्वॉल्व नहीं है, तो इसकी भी एंट्री कैश के लेजर में पोस्ट नहीं होगी। नेक्स्ट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आएगा स्टूडेंट। तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो हमारे पोस्टिंग कहाँ पे होगी, कैश अकाउंट के क्रेडिट में होगी, ठीक है। कैश अकाउंट के क्रेडिट में हम क्या पोस्ट करेंगे, बाय स्टेशनरी अकाउंट, क्या पोस्ट करेंगे, बाय स्टेशनरी अकाउंट अमाउंट 550, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, सेम अमाउंट है, ठीक है ना। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाना है और हमें लिखना है बाय स्टेशनरी, ठीक है, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ये हो गया हमारा, सॉरी एक मिनट, कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में गए जुलाई 14, यहाँ पे हम लिख देंगे बाय स्टेशनरी अकाउंट, बाय स्टेशनरी अकाउंट अमाउंट 550, ठीक है स्टूडेंट। तो जुलाई 14 की एंट्री भी हमने पोस्ट कर दी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री स्टूडेंट हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। अभी यहाँ पे कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली हम पोस्टिंग कहाँ करेंगे, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में। क्या पोस्ट करेंगे स्टूडेंट, टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, क्या टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड करके पोस्ट करेंगे अमाउंट 950। तो कैश अकाउंट के डेबिट में, कैश अकाउंट के डेबिट में जाएगी स्टूडेंट, ये हमारा डेबिट साइड, यहाँ पे हम लिखेंगे 18th of July, ठीक है, 18th of July, यहाँ पे टू बैड डेब्ट्स रिकवरी अकाउंट, टू बैड डेब्ट्स रिकवरी अकाउंट अमाउंट 950, ओके स्टूडेंट डन। चलिए नेक्स्ट,
एटीन ऑफ जुलाई की भी एंट्री हो गई। नेक्स्ट एंट्री है हमारी 21 जुलाई, परचेस अकाउंट डेबिट टू अभिराम। अभी स्टूडेंट यहाँ पे भी कहीं पे भी कैश इन्वॉल्व नहीं है, तो अकॉर्डिंगली इसका लेजर में कैश के लेजर में पोस्टिंग तो होगा नहीं, कैश इन्वॉल्व होगा तो ही पोस्टिंग होगा। चलिए नेक्स्ट अकाउंट, अभिराम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। अभी यहाँ पे कैश अकाउंट अपियर हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली हम कैश अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे, बट कहाँ पे? कैश अकाउंट के क्रेडिट में। क्यों? क्योंकि कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे और क्या लिखेंगे? बाय अभिराम अकाउंट। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? बाय अभिराम अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा स्टूडेंट? कैश के सामने जो लिखा है वही, ठीक है ना, कैश उतना ही अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, हम कैश 2850 ही अभिराम को दे रहे, इसलिए 2850 लिखेंगे। ठीक है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे, बाय अभिराम लिखेंगे, 2850 अमाउंट होगा 24th of July। ठीक है, चलिए कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे। ठीक है, कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे और लिखेंगे, ये हमारा कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड। ठीक है, कैश अकाउंट के क्रेडिट में गए और डेट लिख दिया। अब हम लिखें यहाँ पे बाय अभिराम अकाउंट, अमाउंट कितना? 2850, 2850। ठीक है, डन स्टूडेंट। तो 24 जुलाई की भी एंट्री हमने पास कर दी, पोस्ट कर दी सॉरी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 27th, फर्नीचर अकाउंट टू सेल्स। अब यहाँ पे कैश इन्वॉल्व नहीं है, तो कैश लेजर में इफेक्ट नहीं आएगा। लास्ट अकाउंट, लास्ट एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो स्टूडेंट यहाँ पे कैश अकाउंट है, तो एंट्री हम कैश अकाउंट के लेजर में पोस्टिंग करेंगे। कहाँ पे करेंगे? कैश अकाउंट के डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? 5000 ही आएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो कैश अकाउंट के डेबिट में एंट्री आएगी, एंट्री पोस्ट करेंगे और लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, चलिए डेट क्या थी? डेट 29th। तो स्टूडेंट हम मूव करते हैं अभी कैश अकाउंट के डेबिट साइड में। ये हम पहुंच गए कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, यहाँ पे हम डेट लिखेंगे 29th। ओके, अमाउंट सॉरी, यहाँ पे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, अमाउंट 5000। अमाउंट कितना आएगा? 5000। तो स्टूडेंट सारी एंट्रीज हमने जर्नल से लेजर में पोस्ट कर दी। ठीक है, जहाँ जहाँ पे कैश अकाउंट था वो सारी एंट्रीज मैंने लेजर में पोस्ट कर दी, किस तरीके से कि कौन सा अमाउंट लिया, ये सब हमने यहाँ पे देखा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट? अकाउंट क्लोज करेंगे, ठीक है ना। तो अकाउंट क्लोज करते स्टूडेंट कौन सा साइड हैवी आएगा देखते चलिए। डेफिनेटली कैश रियल अकाउंट है, डेबिट साइड हैवी आना है। तो डेबिट साइड का जो अमाउंट आ रहा है स्टूडेंट वो है हमारा 20950। कितना आ रहा है? 20950। तो हैवी साइड को हम दोनों साइड में लिख देंगे, जो भी डिफरेंस होगा हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे और इसे नोट करेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन के तौर पे। ठीक है, जुलाई में 31st होते, तो लास्ट डेट हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे 31st। ठीक है, अब ये अमाउंट नेक्स्ट मंथ जब ट्रांसफर होगा, ये कौन सा बैलेंस है स्टूडेंट? ये आपका डेबिट बैलेंस है, क्योंकि आपका डेबिट साइड हैवी था ना, तो आपका डेबिट बैलेंस है। तो नेक्स्ट मंथ जब हम अगस्त में लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट 9450, सेम अमाउंट बैलेंस का। ठीक है, तो स्टूडेंट इसी के साथ में ये सब हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको ये सब अच्छा लगा हो, ओके, तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट ले सके इसका। और अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अब भी का भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के रखें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको सबसे पहले पता चले। ठीक है, थैंक यू।